परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वक्ता बोले, बाबा साहब के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। मौवाखेड़ागंज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में ग्रामीणों, युवाओं और पत्रकारों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको नमन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने देश में समरसता लाने का कार्य किया तथा देश को एक मजबूत संविधान देकर सबको जीने का अधिकार दिया। इसी का नतीजा है कि आज भारत जैसे देश में हर कोई अपनी संस्कृति की और धार्मिक क्रिया के हिसाब से जीवन यापन कर रहा है। वहीं वक्ताओं ने यह भी कहा कि हम सबको बाबा साहब के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे एक मिसाल कायम की जा सके। वहीं पत्रकार मोहम्मद इकराम ने कहा कि बाबा साहब शोषित, दलित व पिछड़ों की आवाज़ थे और उन्होंने सिर्फ देश की भलाई के लिए कार्य किया है, इसलिए ज़रूरी है कि उनके कर्तव्य और सिद्धांत पर चलते रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब के द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है। मौवाखेड़ा वासियों ने सभी ने सब मिलकर ये पुण्यतिथि मनाई है और इनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए हम सभी लोगों को ये संविधान निर्माता अम्बेडकर जी हैं, इनके कोटि कोटि हम नमन करते हैं और बहुत बहुत मौवाखेड़ा वासियों को शुक्रिया देते हैं। सबकी आ रही है, जब सब खड़े हो तो उनका तो खड़े हो फिर बम्बई ये ढक रहा भाई, चल ना दिखा रहे, दिखाई नहीं रहे, दिखाई ना रहे, थोड़ा पीछे हो मैं दिखा ना रहे, देख लो चश्मा लगाए हुए, बहुत मारेंगे नहीं तो चलो।